नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट में जो आपके अगर 80 के आसपास नंबर बन रहे हैं और आपको क्या 83 बनाने या फिर 82 बनाने, क्योंकि 82 में भी क्लियर माना जाता है सीटेट, तो ये भी 82 में आपका क्लियर माना जाएगा। फिर एक नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। दूसरी बात की अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो वो किस हिसाब से है, क्या आपको चारों क्वेश्चन, अगर मान लो किसी के चारों ऑप्शन गलत है या फिर बोनस हो रहा है तो किस हिसाब से क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा, जो खास करके नए स्टूडेंट है उनके लिए। अब देखो, सबसे पहली बात तो कि अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 121 नंबर बताए थे और सेकेंड शिफ्ट बताई थी 23 जुलाई की। तो अब देखो क्या है कि अभी एक कमेंट भी आया था उस वीडियो पर, एक ऋषभ चतुर्वेदी नाम का है जो बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो चोर। ठीक है, तो झूठ बोल रहा हूँ चोर, तो अब ऋषभ चतुर्वेदी जो भी आपका नाम है, चोर है या चतुर्वेदी है, तो एक बात बता देता हूँ, 121 नंबर कोई ज्यादा नहीं है। हालांकि मैंने बिना तैयारी के सिर्फ 5-7 दिन पढ़ के पिछली डेट के बेस पर ही थोड़ा दिया था, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, 121 नंबर कोई ज्यादा नहीं है वैसे, लेकिन वो बोल रहा था कि चोर ऐसे वैसे झूठ बोल रहा हूँ, तो अभी बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। ये मेरे साइकोलॉजी में 21 नंबर है मात्र, ठीक है, हिंदी में 26 नंबर है, इंग्लिश में 22 नंबर है, मैथ में 27 है और साइंस में 25 है। तो अब जोड़ लो आप, 20 20 20 20 100 तो ये हो गए, फिर एक ये 6, ये 7, 7 और 2 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, और 16 और 5 21, तो शायद 121 ही होते होंगे ये। ठीक है, तो ये कोई भी चोरी की कोई बात नहीं है, जितने नंबर आते हैं उतने ही बताता हूँ मैं, और मेरा ये भी काम नहीं है कि मैं पूरे दिन वीडियो डालूँ। और आपके सामने ये रही ए नंबर, देखो शिफ्ट भी बता देता हूँ मैं आपको, ये देखो ऊपर देख सकते हो आप, ये सेकेंड शिफ्ट थी, ठीक है, और सीरीज ए है। अगर किसी को वापस अगर कोई डाउट है तो वो फिर भी मिला सकता है स्क्रीनशॉट लेके, कि अगर मैं आपको झूठ बता रहा हूँ तो ए सीरीज है और सेकेंड शिफ्ट है 23 तारीख वाली। अब देखो नॉर्मलाइजेशन की एक बता देता हूँ, ऑब्जेक्शन का भी बता देता हूँ। एक बात देखो, 82 पर जो है सी टेट को क्लियर माना जाता है, तो आपको 82 पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब अगर किसी के 80 बन रहे हैं, ठीक है, 80 बन रहे हैं तो वो क्या, या फिर 79 बन रहे हैं, 78 बन रहे हैं, तो इनका क्या होगा कि ये सब कुछ अब क्या रिजल्ट पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, 3 नंबर मिलते हैं आपको तो 82 या 83 हो जाएंगे तो आप पास हो जाओगे, या फिर बोनस मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिलीट नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन डिलीट हो गए, यहाँ पर बोनस मिलते हैं। बोनस में और डिलीट में ये अंतर होता है कि डिलीट होता है उसके नंबर क्या किसी को नहीं मिलते, फिर वो वन मान लो कि 150 में से एक डिलीट हो गया तो 149 में से रिजल्ट बनता है, लेकिन अगर बोनस हो गया तो इसका मतलब हुआ है कि वो नंबर सबको मिल गया। ठीक है, जैसे जो आपका 124वां क्वेश्चन है, देखो ये रहा, ये बोनस हुआ है 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के ए पेपर में, साइंस का ये 124वां, 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट, सॉरी, उसमें क्या है बोनस हुआ है, तो बोनस में सबको अंक मिलते हैं, डिलीट में क्या होता है वो क्वेश्चन ही हटा देते हैं पूरा, तो इस हिसाब से होता है बोनस वगैरह का सिस्टम। तो जिसके भी देखो 77, 78, 79 बन रहा है, वो सब के सब नॉर्मलाइजेशन प्लस जो रिजल्ट है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि रिजल्ट में हमेशा 2 से 3 नंबर बढ़ के आते हैं, क्योंकि कुछ बोनस हो जाते हैं, कुछ में उत्तर चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है 1-2 नंबर घट भी सकते हैं। अगर उत्तर मान ला कि पहले ए माना हुआ है बाद में सी मान लिया उन्होंने, तो आपका उत्तर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, 82 में पात्रता लगभग मान ली जाती है, ठीक है, सीटेट में मानी जाती है तो इसमें भी मानी जाएगी, 83 जरूरी नहीं है आपके, 82 में भी मान ली जाएगी। अब दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, 23 तारीख वाली शिफ्ट एसएसटी के लिए हार्ड थी। अब एसएसटी के लिए हार्ड जरूर थी, लेकिन 23 तारीख वाले स्टूडेंट कैसे थे वो भी डिपेंड करता है। अब सब कुछ एवरेज स्कोर कितना हो रहा है, किस शिफ्ट से कितने पात्रता हासिल कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो सब क्या आंकड़े गिनकर फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और 2 से 4 या 5 नंबर से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि लगभग 2-3% का ही होता है, तो आप 4-5 नंबर तक मान सकते हो, उससे ज्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी नहीं हो सकता। बाकी अगर किसी के अगर अस्सी भी बन रहे हैं तो वो लगभग क्या 2 नंबर तो उसके बढ़ ही जाएंगे, बोनस वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि और 1% भी आपके ऑब्जेक्शन है तो वो आप क्या ऑब्जेक्शन लगाएं। और दूसरी बात, मैं आपको कल पूरा कोशिश करूंगा प्रोवाइड करवाने की प्रूफ के साथ कि आप ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पर लगा सकते हैं और ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो कल मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि किस हिसाब से एक बार आप नॉर्मलाइजेशन को भूल कर रखें। ठीक है, एक बार ऐसा मान लें कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं और फिर आपका पहले स्कोर देखें, फिर आपका अगर 80 के लगभग 2-3 नंबर तक नीचे है 23 तारीख वाले एसएसटी का, तो उनका चांस है लगभग। ठीक है, लेकिन अगर आपके नंबर ही 70 बन रहे हैं और आपको 83 तक जाना है या 82 तक जाना है, फिर आपके बहुत मुश्किल हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर तो किसी हालत में नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक बात आ रही है कि साइंस मैथ में भी होगा क्या, अगर साइंस मैथ में वैसे देखो लेवल सबका एक जैसा सा था, लेकिन जो 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी उसमें थोड़ी मैथ इजी थी, थोड़ी सी साइंस इजी थी, लेकिन उनमें इतना फर्क नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन अगर एक शिफ्ट में होता है तो उसमें सभी सब्जेक्ट में होगा लगभग।
तो इस हिसाब से तो कल मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कौन कौन से क्वेश्चन पर लगा सकते हो और कौन कौन सा इसका उत्तर है, क्या प्रूफ है, वो देने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल के ऊपर बने रहें और मैं एकदम आपको बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ठीक है। कोई चोर वगैरह नहीं है यहाँ पर, मेरे को बताने क्या गलत बताने से मेरा क्या फायदा होने वाला है। और 121 नंबर कोई ज्यादा भी नंबर नहीं है, 100 देखो 21 है साइकोलॉजी में, 26 हिंदी में है, 22 इंग्लिश में है, 27 मैथ में और 25 साइंस में। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कल मिलते हैं, धन्यवाद।